वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के लिए मुंबई में चल रहा ऑक्शन खत्म हो चुका है। 5 फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। WPL 2024 के लिए हो रहे ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई, कुछ पर उम्मीद से ज्यादा तो कुछ पर उम्मीद से कम की बोली लगी। इन सभी के बीच कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि टीमें उन पर अपनी दिलचस्पी दिखाएंगी, लेकिन वो अनसोल्ड रही। आइए हम आपको भारत की 5 ऐसी महिला खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो इस बार के ऑक्शन में अनसोल्ड रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूनम राउत की। 34 साल की पूनम राउत पर विमेंस प्रीमियर लीग 2024 के ऑक्शन में किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। उन्होंने अपना बेस प्राइस 30 लाख रखा था, लेकिन किसी भी टीम ने उनमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो अनसोल्ड रही। पूनम राउत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए काफी समय खेल चुकी हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 35 T20 मैच खेले हैं और 719 रन भी बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें किसी टीम ने नहीं लिया। इसके अलावा 26 साल की भारतीय ऑलराउंडर देविका वैद्य के नाम पर भी विमेंस प्रीमियर लीग 2024 के ऑक्शन में बड़ी बोली लगने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। उन्होंने अपनी बेस प्राइस 30 लाख रखा था, लेकिन किसी भी टीम की दिलचस्पी देखने को नहीं मिली और वो अनसोल्ड रही। देविका बाएं हाथ से बल्लेबाजी और लेग ब्रेक गूगली गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं। भारतीय महिला विकेटकीपर सुषमा वर्मा भी विमेंस प्रीमियर लीग 2024 के ऑक्शन में अनसोल्ड रही। इस खिलाड़ी का बेस प्राइस भी 30 लाख रुपए था, लेकिन इन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। भारतीय क्रिकेट टीम की महिला गेंदबाज प्रीति बोस ने भी विमेंस प्रीमियर लीग 2024 के ऑक्शन में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा था, लेकिन इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला और ये भी अनसोल्ड रह गई। आपको बता दें कि महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन को फैंस ने काफी पसंद किया था। पहले सीजन में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने फाइनल्स तक का सफर तय किया था। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था। एक बार फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर वाली मुंबई इंडियंस की टीम खिताब पर दूसरी बार कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। वहीं बाकी 4 टीमों की कोशिश होगी कि इस बार वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया जाए। फिलहाल ये जो अनसोल्ड खिलाड़ी रह गई हैं, इन पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टीम न्यूज नेशन डिजिटल।